यहाँ वो सब लोग बैठे हैं जनाब स्पीकर, उन्होंने जिन्हें पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का पता है, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि कितनी मुश्किलों से जमहूरियत बहाल हुई। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने छोटे बच्चों समेत कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में फिरती रही, उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो जमहूरियत की बात करती थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 10 साल तक अपने पता नहीं कितने मजदूरों गरीबों के साथ खारिजी मुल्कों में 10 साल इसलिए बैठे रहे कि उन्होंने ये गुनाह किया था, दोनों ने मिल के बड़ी मुश्किल से जमहूरी अंदाज में 58-2B जिसने हमारी बहुत सी असम्बलियों को निगल लिया था उसका खात्मा किया था, और ये ख्वाहिश जाहिर की थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मुआहिदा साइन करके कि पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाएंगे जहां आइन की बालादस्ती होगी, जहां पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, जहां मुल्क की तमाम पॉलिसियां यहां से बनेंगी और सिंध बलोच पश्तून पंजाबी सराइकी लोगों के यहाँ जो कुछ अल्लाह ने उनको वसाइल दिए हैं उन पे उनका राज होगा और एक अच्छा जमहूरी पाकिस्तान वजूद में आएगा। जनाब स्पीकर, जमहूरी और गैर जमहूरी कुवतों की लड़ाई पहले दिन से चालू थी, लेकिन जनाब स्पीकर साहब जिस अंदाज में कल जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, जिस अंदाज में हमारे पार्लियामान और आइन की बेइज्जती की गई, जनाब स्पीकर ये सारे लोग जहाँ बैठे हैं आप समेत, आपने कम से कम 4 दफ़ा, खुर्शीद शाह ने 5 दफ़ा, बाकी दोनों ने 10 दफ़ा हल्फ लिया है, और हल्फ ये लिया है कि हम दे पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है। अगर वो हल्फ के कुछ मानी हैं जनाब स्पीकर, तो आइनी और गैर आइनी कुवतों के दरमियान लड़ाई कल के बहुत बिल्कुल नंगे अंदाज में, आज जनाब स्पीकर ये वक्त नहीं है कि आप इस एजेंडे पे काम करें, ये आपका इम्तिहान है, ये मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का इम्तिहान है, ये मुस्लिम लीग के दोस्तों का इम्तिहान है कि आज के दिन हम आइन के साथ खड़े होते हैं या गैर जमहूरी कुवतों के दुमछले बनकर उनके पीछे चले जाने के लिए तैयार है। हमारा तो ऐलान है जनाब स्पीकर, खुदा के इन नामों के सामने, आपकी मौजूदगी में, इनकी मौजूदगी में, जमहूरी और गैर जमहूरी कुवतों की लड़ाई में हम जमहूरी कुवतों के सफ़ों में खड़े होंगे, चाहे दुनिया की कोई कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे दौलत की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे इज्जत की कुर्बानी देनी पड़े, हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो चाहे वो शहबाज बेईमान हो, हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। हमारे जिनाब बुटे कौन जी बोलिए, ये मैं एक्सपंज करूंगा जी जो आपने लफ्ज़ जनाब स्पीकर बाज, ये मैं जो दुख होता है, सब मेरे भाई है, हम एक साथ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ 10 साल किस बात में सऊदी में बैठे रहे, पीपल्स पार्टी बाबा बिस्मिल्लाह, वो आ जाएगा वो दिन, मैं देख लूँगा आपको, मैं देख लूँगा जिस दिन ये लड़ाई छिल चुकी है जनाब स्पीकर जी। आप अगर इफ़ यू आर द स्पीकर, अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने बेसत स्पीकर हफ उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी जनाब स्पीकर। कहाँ था हमारे ये लश्कर, ये जो बोलियाँ पहने हुए ये कहाँ थे? कल यहाँ जनाब स्पीकर इस शरीफ आदमी ने रात यहाँ गुजारी है, सारी रात वो यहाँ बैठा रहा, यहाँ पड़ा रहा, और यहाँ गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनके दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारजार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। थैंक यू वेरी मच जी। हमीद हुसैन साहब, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बताता हूं कि मैंने क्या करना है। नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, जनाब स्पीकर शुक्रिया। जनाब स्पीकर, हम तो पहले इलाकाई सतह पर अमन अमन की नारे लगा रहे थे,
और बार बार अमन के लिए दरख्वास्तें पेश करते रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसे महसूस हो रहा है कि पूरा मुल्क जो है